नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या में से श्री रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। मंदिर के गर्भगृह में दिखी झलक, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुरुवार शाम को पूरी विधि विधान से श्री रामलला के विग्रह को नवनिर्मित भव्य मंदिर गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया है। अभी उनके श्री मुख को छोड़कर बाकी जगह से कवर हटा दिया गया है। इसके बाद ही गुरुवार को श्री रामलला के गर्भगृह से पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर में रामलला गर्भगृह में बाल स्वरूप में नजर आ रहे हैं। राम मंदिर के लिए रामलला की इस मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। वहीं गुरुवार को श्री रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने से पहले विभिन्न संस्कारों और पूजन किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से काशी से आए पुरोहितों ने कार्यक्रम में पूरी विधि विधान से संपन्न कराया है। यह पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद गुरुवार रात को रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर सामने आई है। अब 22 जनवरी को पीएम मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी में विभिन्न अनुष्ठानों के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दोनों पुरोहितों के साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एवं ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोग उपस्थित रहे हैं। देखिए, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है, शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबका स्वागत करते हैं और रामलला का आशीर्वाद सबको मिले और देश, हमारा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब हम लोग तय करेंगे। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर देखिए, हम आपको दोहराएंगे, हर्षोल्लास का वातावरण है, इस समय कोई हम टिप्पणी ऐसी नहीं करेंगे। हम सबको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। प्रभु रामलला के दरबार में आए जब भी आपका समय तय हो, समय मिले। और अद्भुत वातावरण इस समय प्रदेश का है, देश का है। अयोध्या के दौरे पे हैं, 4-5 दिन कहा जा रहा है कि लगातार हम लोग काम में ही रहेंगे। किस तरह के आपके कार्यक्रम है, किस तरह से? देखिए, अभी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, सारी चाक चौबंद है। स्वास्थ्य सेवाएं, रहने की, खाने की, सारे इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव। ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें, रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। ये एक सवाल का सब उत्तर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और